केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी काफी परेशान नजर आ रही हैं। जब से ये चर्चा चल रही है कि राहुल गांधी 2024 में एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से स्मृति ईरानी ने अमेठी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच 29 दिसंबर को अमेठी पहुंची बीजेपी सांसद को रिटायर्ड टीचरों ने घेर लिया, जिसके बाद वो काफी भड़क गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिन के दौरे पर थी, जहां रिटायर स्कूल टीचरों से मिलने के बाद एक शिक्षा अधिकारी पर भड़क गई, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्मृति की जमकर फजीयत हो रही है। खबरों की माने तो शिक्षा अधिकारी पर भड़कने की नौबत इसलिए आई क्योंकि अमेठी में रिटायर्ड टीचरों का बकाया भुगतान नहीं हुआ था, जिसकी शिकायत लेकर रिटायर्ड टीचर बीजेपी सांसद से मिले थे। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों के एक समूह ने ईरानी से संपर्क किया, जिन्होंने सांसद को अपनी शिकायतें सौंपी। मंत्री ने तुरंत जिला विद्यालय निरीक्षक को फोन किया और उन्हें लंबित मामलों को तुरंत निपटाने का निर्देश दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्होंने फोन पर कहा, आपके डेस्क पर जो भी पेंडेंसी है उसे आज ही निपटा लें। ईरानी ने अधिकारी से कहा कि अमेठी में हर व्यक्ति की उन तक पहुंच है और वो अपनी समस्याओं के बारे में सीधे उनसे शिकायत करते हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इंसानियत दिखाइए, ये अमेठी है, यहाँ हर व्यक्ति की मुझ तक पहुँच है। उन्होंने DIOS से कहा कि जब आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं, तो 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का क्या हाल किया होगा। इसके बाद आज स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो 15 साल तक यहाँ से सांसद रहे, लेकिन अमेठी के विकास के लिए नहीं सोचा, केवल मुंशीगंज में अपना गेस्ट हाउस बनाया। यानी स्मृति ईरानी ने एक बार फिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए राहुल गांधी के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। वहीं अमेठी में फिर राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भी स्मृति ईरानी घबरा गई हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने फिर से अमेठी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। DB Live की रिपोर्ट।